नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 अप्रैल 2019 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज का हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। क्या कंटेस्ट है? देखो, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एक फॉरेस्ट गार्ड हैं जिनका नाम है एलेम्बा येमचंगूर। ये देखो, ये नाम है फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के फॉरेस्ट गार्ड का। इनको US बेस्ड एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अर्थ डे नेटवर्क स्टार अवार्ड दिया गया है। फिर से बोलता हूँ, US बेस्ड एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक NGO है जो विभिन्न देशों में इन्वायरमेंटल NGO के साथ मिलकर काम करता है। इस NGO के द्वारा, यानी इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के फॉरेस्ट गार्ड एलेम्बा येमचंगूर को अर्थ डे नेटवर्क स्टार अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड देखो उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में। तो एलेम्बा येमचंगूर नाम के जो फॉरेस्ट गार्ड हैं, इन्होंने अपने पिछले 30 साल की सर्विस में बहुत ही अच्छा योगदान किया है फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी और बाहर भी इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वैसे एक चीज़ आपको यहाँ भी बताता हूँ, ये US बेस्ड इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसने ये अवार्ड दिया है, इसको इस्टैब्लिश किया गया था 22 अप्रैल 1970 को इसे इस्टैब्लिश किया गया था। NGO है और 22 अप्रैल को क्या होता है? अर्थ डे होता है। तभी अवार्ड के नाम में भी अर्थ डे नेटवर्क स्टार अवार्ड है। अब बात कर लेते हैं फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये कहाँ पे है? ये है किफायर डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में। कहाँ पे है? किफायर डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में। इस सेंचुरी को देखो एक प्रकार से स्वर्ग माना जाता है काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स के लिए, जैसे लियोपर्ड्स, टाइगर्स, वाइल्ड बफेलोस, हुलू गिबन्स, मिथुन, हॉर्नबिल जो बहुत ही फेमस पक्षी है नॉर्थ ईस्ट में, और खास करके नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है दिसंबर के पहले हफ्ते में। हॉर्नबिल भी यहाँ पे देखा जा सकता है फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल इरोड टर्मरिक के बारे में है। टर्मरिक का मतलब बताइए, टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। क्या कंटेस्ट है? देखो, ये जो इरोड टर्मरिक होती है ना, इसकी सुगंध काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। इस वजह से इरोड टर्मरिक को GI टैग दिया गया है। हम बात करें टर्मरिक के बारे में, ये देखो एक बारहमासी पौधा है, सदाबहार पौधा है और अदरक फैमिली से संबंध रखता है। टर्मरिक यानी हल्दी का जो संबंध है वो अदरक की फैमिली से है। अंडरग्राउंड जो तना होता है टर्मरिक का, उसको इस्तेमाल किया जाता है मसाले के तौर पे, डाई के तौर पे, मेडिसिन के तौर पर, और इवन रिलीजियस पर्पजेज में भी इस्तेमाल होता है हल्दी का। और हल्दी का ये जो येलो कलर है वो कहाँ से आता है? हल्दी में देखो येलो कलर आता है करक्यूमिन की वजह से। यहाँ पे देखो, करक्यूमिन की वजह से येलो कलर आता है हल्दी में। और ये करक्यूमिन क्या है? ये देखो ब्राइट येलो कलर का एक फिनोलिक कंपाउंड है। काफ़ी न्यूज़ में था पिछले दिनों ये कंपाउंड, किस वजह से? इस कंपाउंड में क्षमता है कैंसर से लड़ने की, इसी वजह से ये कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था पिछले दिनों में। और इसी कंपाउंड की वजह से हल्दी में पीला कलर आता है। तो पिछले कुछ दिनों में जब ये खबर आई कि करक्यूमिन कैंसर से लड़ सकता है, तो उस हल्दी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई जिसमें करक्यूमिन की मात्रा ज़्यादा होती है। आपने एक चीज़ तो पूछी नहीं, ये इरोड है कहाँ पर? मतलब ये इरोड कौन सी जगह है, कौन से राज्य में है जिसकी हल्दी को GI टैग मिला है? इरोड देखो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु का एक जिला है इरोड। तो इरोड डिस्ट्रिक्ट में और इरोड डिस्ट्रिक्ट के आसपास, जैसे कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट के अन्नूर और थोंडामुथुर तालुक से, यहाँ पर जो भी हल्दी उगाई जाती है उसको ये टैग प्राप्त होगा और उसे इरोड हल्दी के रूप में जाना जाएगा। इंडिया में देखो सबसे ज़्यादा हल्दी प्रोड्यूस होती है पूरे वर्ल्ड में। और राज्यों की बात करें, हमारे देश में सबसे ज़्यादा हल्दी प्रोड्यूस होती है तेलंगाना में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितनी होती है? 2015-16 में तमिलनाडु में 132.4 टन हल्दी प्रोड्यूस हुई थी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इरोड टर्मरिक के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सोल्ट पैंस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, 1930 में गांधी के द्वारा सोल्ट सत्याग्रह किया गया था
और उसी दौरान मुंबई के वडाला में भी सत्याग्रह हुआ था। मुंबई के वडाला में जो सत्याग्रह हुआ था वो भी काफ़ी फेमस हुआ था। उसी चीज़ को याद करते हुए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के द्वारा एक सोल्ट पैन वॉक को ऑर्गेनाइज किया गया वडाला में। अब आपके दिमाग में ये आया होगा, ये सोल्ट पैंस क्या होते हैं? देखो, अक्सर सोल्ट पैंस को देखा जाता है डेजर्ट्स में। आप सोल्ट पैंस को देख सकते हो सहारा डेजर्ट में, कालाहारी डेजर्ट में, रण ऑफ कच्छ में, और यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्टर्न इलाकों में जो डेजर्ट्स हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल डेजर्ट्स में। मान लीजिए थार डेजर्ट में एक लेक है, और ये सोल्ट लेक है, नमकीन पानी की लेक है। अब आपको पता है थार डेजर्ट में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश कम होती है, तो इस लेक का जो पानी है वो जिस तेज़ी से इवापरेट होएगा उस तेज़ी से वहाँ पे बारिश तो होगी नहीं। तो एक समय ऐसा आएगा इस लेक में पूरा का पूरा जो पानी है वो इवापरेट हो जाएगा और पीछे रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ नमक। तो ये क्या होगा? ये होगा सोल्ट पैन। अब देखो, लंबे समय तक सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं तो नमक से जुड़े काफ़ी मिनरल्स जमा हो जाते हैं सोल्ट पैंस में, और काफ़ी पक्षी भी आते रहते हैं जहाँ पे सोल्ट पैन होते हैं। और कई इलाकों में सोल्ट पैन बाढ़ को रोकने में भी मदद करते हैं, क्योंकि पानी को सोखने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है सोल्ट पैंस में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सोल्ट पैंस के बारे में। कंटेक्स्ट क्या था? कंटेक्स्ट ये था, मुंबई में वडाला सत्याग्रह को याद करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के द्वारा एक सोल्ट पैन वॉक को ऑर्गेनाइज किया गया। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जर्जिगो सुनीलिमाय के बारे में है। क्या है ये? ये देखो ना, एक मकड़ी है, और इसे रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है कहाँ पे? मुंबई के आरे मिल्क कॉलोनी में। कौन सी फैमिली से संबंध रखती है ये मकड़ी? देखो, जर्जिगो सुनीलिमाय जो मकड़ी है वो जंपिंग स्पाइडर फैमिली से संबंध रखती है। और अभी हाल ही में इस मकड़ी के बारे में पब्लिश हुआ एक पीयर रिव्यूड जर्नल है जिसका नाम है आर्थ्रोपोड सिलेक्टा। इस जर्नल में नई ये जो मकड़ी डिस्कवर की गई है मुंबई के आरे मिल्क कॉलोनी में, जिसका नाम है जर्जिगो सुनीलिमाय, इसके बारे में पब्लिश हुआ। अब हम थोड़ा सा जंपिंग स्पाइडर फैमिली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिस फैमिली से ये नई डिस्कवर की गई मकड़ी जर्जिगो सुनीलिमाय संबंध रखती है। देखो, जंपिंग स्पाइडर फैमिली जो है वो मोस्ट डाइवर्स स्पाइडर फैमिली है। इस स्पाइडर फैमिली में स्पीशीज की संख्या है 6126, और इंडिया में इस फैमिली की 256 स्पीशीज पाई जाती हैं अभी तक। देखो, इस फैमिली की जो मकड़ियाँ हैं ना, इनको आसानी से पहचाना जा सकता है इनकी एंटीरियर मीडियन आइज की वजह से। दिन के समय ये मकड़ियाँ शिकार करती हैं, इस वजह से इस फैमिली की मकड़ियों को डायर्नल हंटर्स भी कहा जाता है। इनका विजन बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होता है, मतलब आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होती है। तो अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे जर्जिगो सुनीलिमाय मकड़ी जिसको हाल ही में डिस्कवर किया गया, कहाँ पर डिस्कवर किया गया? मुंबई के आरे मिल्क कॉलोनी में। यूपीएससी कॉलोनी के बारे में नहीं पूछेगी, शहर का नाम पूछेगी, आंसर होगा मुंबई। दो फैक्ट्स और भी हैं जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं। देखो, नई जो मकड़ी डिस्कवर की गई है जर्जिगो सुनीलिमाय, ये जर्जिगो जीनस की सेकेंड स्पीसीज है इंडिया में, और ये जर्जिगो जीनस की फर्स्ट स्पीसीज है जिसकी टैक्सोनॉमिक डिटेल्स जैसे मेटिंग बिहेवियर, एग डेवलपमेंट, इन सबको डॉक्यूमेंट किया गया है। इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई किया गया है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किया नई डिस्कवर की गई मकड़ी के बारे में, जिसका नाम है जर्जिगो सुनीलिमाय। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल बेंजोइक एसिड के बारे में है। देखो, बेंजोइक एसिड एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। केमिकल फॉर्मूला की बात करें, C6H5COOH, ये केमिकल फॉर्मूला है बेंजोइक एसिड का, और ये एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक सिंपल एरोमेटिक कार्बोजाइलिक एसिड है। बेंजोइक एसिड के बारे में आपने सुना होगा, एज ए प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है, जैसे समुद्र से मछली को पकड़ा जाता है, किनारे पर लाते लाते मछली बासी हो जाती है, तो बहुत से जो मछुआरे हैं वो बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं ताकि मछली जो पकड़ी गई है उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सके। बेंजोइक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे, और फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो इसलिए भी बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल होता है।
अभी यूजली देखो जो पेट्रोलियम वेस्ट प्रोडक्ट है टोलीन, इसको कन्वर्ट करके बेंजोइक एसिड को प्रोड्यूस किया जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, पेट्रोलियम वेस्ट प्रोडक्ट है टोलीन, इसको कन्वर्ट करके बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन अभी जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। एक कैटलिस्ट है जिसका नाम है PTBNP, यहाँ पे नीचे देखो PTBNP, ये कैटलिस्ट है। इसकी प्रेजेंस में सिलेक्टिव और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होती है टोलीन की, तब जाके बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस होता है। सामान्यतः ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है ना, ये कैरी आउट की जाती हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की सहायता से, जिससे पूरी प्रोसेस काफ़ी महंगी हो जाती है और टॉक्सिक वेस्ट भी काफ़ी जनरेट हो जाता है। लेकिन अब इसका एक अल्टरनेटिव प्रेजेंट किया गया है IIT मद्रास के दो रिसर्चर्स के द्वारा। अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव ये है कि एक प्लेटिनम नैनो कैटलिस्ट की सहायता से पेट्रोलियम वेस्ट प्रोडक्ट टोलीन को कन्वर्ट किया जा सकता है बेंजोइक एसिड में। फिर से बोलता हूँ, अल्टरनेटिव प्रेजेंट किया गया है IIT मद्रास के दो रिसर्चर्स ने, प्लेटिनम नैनो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पेट्रोलियम वेस्ट प्रोडक्ट टोलीन को कन्वर्ट किया जा सकता है बेंजोइक एसिड में। और ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, महंगी नहीं है, और इससे टॉक्सिक वेस्ट जो जनरेट पहले होता था पुरानी प्रोसेस से, वो टॉक्सिक वेस्ट भी जनरेट नहीं होगा। और इस प्रोसेस में एक ग्रीन ऑक्सीडेंट का सहारा लिया जाता है टोलीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया बेंजोइक एसिड के बारे में। क्वेश्चन देखो, बेंजोइक एसिड के बारे में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। UPSC बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेती है कि इनमें से कौन से पर्पज़ के लिए इस कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे इस प्रकार के ऑप्शन हो सकते हैं, मेडिसिनल पर्पजेज के लिए, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, दूसरे नंबर पे एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना होगा आंसर में। चलते हैं आगे, लास्ट में आर्टिकल है स्लोवाकिया के बारे में। मैपिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है स्लोवाकिया, क्या कंटेस्ट है वहाँ पे। देखो एंटी करप्शन कैंडिडेट हैं, नाम काफ़ी डिफिकल्ट सा है। ये अब प्रेसिडेंट बन गई हैं स्लोवाकिया की, वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे। ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट होंगी स्लोवाकिया की। लोकेशन आप स्लोवाकिया की देख लीजिए, स्लोवाकिया सेंट्रल यूरोप में है और एक लैंड लॉक कंट्री है, सी से किनारा टच नहीं होता है स्लोवाकिया का। यहाँ पे पहले आप लोकेशन देखिए, ये यूरोप है और यहाँ पे एकदम सेंट्रल यूरोप में है स्लोवाकिया। अब देखिए पड़ोसी देशों के बारे में, यहाँ पे चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है, यूक्रेन है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है। स्लोवाकिया की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है ब्रातिस्लावा। आपका UPSC क्लियर होगा, आप अपने दोस्तों को पार्टी यही दीजिएगा ब्रातिस्लावा में। स्लोवाकिया देखो मेंबर कंट्री है यूरोपियन यूनियन का और यूरो जोन में आता है, मतलब यूरो करेंसी है स्लोवाकिया की। ये थी हमारी आज की डिस्कशन, शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, सोल्ट पैंस के बारे में हमने जाना, उसके बाद हमने डिस्कस किया जर्जिगो सुनीलिमाय मकड़ी के बारे में, हमने स्लोवाकिया के बारे में डिस्कस किया, मैप जाना, इसके बाद हमने बेंजोइक एसिड के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया, और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया हल्दी वाले दूध के बारे में, इरोड टर्मरिक। ये थी हमारी आज की डिस्कशन, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।